सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं घातांक नियम, जो कि आपके 9th क्लास का टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घातांक नियम से संबंधित काफ़ी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहला रूल है कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन तो बराबर होता है ए की घात एम प्लस एन। अब ये क्या नियम है इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। दूसरा रूल है ए की घात एम इंटू बी की घात एम तो बराबर होता है ए बी की घात एम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक समझना है कि जो ए है और यहाँ पर ए है, यानी आधार दोनों का समान है और घात है वो अलग अलग है। देखो यहाँ एम है, यहाँ एन है। इसी प्रकार यहाँ पे आधार तो अलग अलग है, ए है, यहाँ है बी, और घात है वो समान है। तो दोनों को अच्छे ढंग से समझना है कंपेयर करके। तो देखिए यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे एक संख्या लेता हूँ, जिससे आपको ये नियम है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं लेता हूँ, जैसे चलिए यहाँ पे संख्या लेते हैं जैसे 5, ठीक है। 5 की घात ले लेता हूँ मैं यहाँ 3, फिर इंटू ए के स्थान पर वापस लेता हूँ मैं 5, क्योंकि यहाँ आधार समान रखना है। देखिए इसको आधार बोलते हैं और इसको ऊपर जो चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं घात। ये आपको ध्यान रखना है, आधार और ये घात, आधार समान लिया है और घात में अलग ले लेता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा, आधार समान है तो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है आगे रूल के अनुसार। तो आ जाएगा यहाँ पे 5 की घात 3 प्लस 7। देखिए मैंने क्या किया है कि एक ही घात m इंटू एक ही घात n होता है, तो हम कर सकते हैं एक ही घात m प्लस n। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 की घात 3 था इंटू 5 की घात 7 है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 प्लस 7, यानी आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, घात जुड़ गई। तो इसको जब आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 10, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी घात के रूप में इसको छोड़ना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 10। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मान लो 2 की घात, कुछ भी आप घात चढ़ा सकते हो, जैसे मैं 12 ले लो, चलो 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 10, ठीक है। तो बराबर क्या स्थिति बनेगी, 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 10, आधार समान है। देखिए आधार 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये हमेशा ध्यान रखना है थोड़ा कि आपको आधार अगर समान मिलती है तो ही घातों को जोड़ना है। तो आधार समान है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की घात 12 इंटू 2 की घात 10 करेंगे तो आगे आके आ जाएगा 2 की घात 12 प्लस 10, यानी जो घात है 12 और 10 ये आपस में जुड़ जाएगी। तो 12 और 10 मिल के कितने हो गए, 2 की घात 22, ठीक है। तो कई एग्जांपल लेके आप इजीली इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट लेता हूँ मैं दूसरा रूल। देखिए इसके अंदर और इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आधार अलग अलग है और घात है वो समान है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर भी, चलिए जैसे कि 7 ले लिया और 7 की घात चढ़ा देता हूँ मैं 2, ठीक है, फिर इंटू 3 की घात 2। क्या विशेषता है यहाँ पे कि आधार है वो अलग अलग है। देखिए आधार 7 है, यहाँ पे आधार है वो 3 है, और घात है वो समान है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यानी जब आधार अलग अलग है और घात समान है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी की घात एम, यानी ए का गुणा बी से करना है और घात को ऊपर चढ़ाना है, ये है इसका रूल। तो 7 का गुणा 3 से कर दो तो 7 * 21, 7 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 7 * 21, और 21 के ऊपर घात चढ़ जाएगी ये 2, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 9, ठीक है, 9 की घात ले लेते हैं 5, 9 की घात 5 इंटू 2 की घात 5, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मैंने जो आधार है वो अलग अलग लिया है, आधार 9 है, यहाँ कितने हैं 2, घात है वो समान लिए मैंने, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इसमें और इसमें काफ़ी स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको अंतर समझना अच्छे ढंग से। देखिए यहाँ आधार है वो समान है, घात अलग अलग है, यहाँ पे आधार अलग अलग है और घात समान है। तो जब ऐसी स्थिति आती है जब आधार समान और घात अलग अलग, तो आपस में घातों को जोड़ना है,
यानी एक ही घात m इंटू एक ही घात n है, तो एक ही घात m प्लस n होता है। और जब आधार अलग अलग है और घात समान है तो आधार आधार का गुणा करना और घात को ऊपर चढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या स्थिति होगी, 9 का गुणा 2 से करूँगा, 9 का गुणा 2 से किया था क्या आ गया 18, 9 दूनी 18 और ये घात है वो 5 ऊपर चढ़ जाएगी, यानी 18 की घात आ जाएगा 5। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस ढंग से ये दोनों जो रूल है वो अच्छे ढंग से मेरे हिसाब से आपको दिमाग में बैठ गए होंगे। फिर भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही वीडियो को आपको लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक कमेंट करना है ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ में पहुँच सके। थैंक यू।